जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक और अच्छी खबर लेके आया हूँ। जो यूके में आना चाह रहे थे और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, वो बिजनेसमैन थे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो यूके ने उनके लिए विजिट वीज़े का ऑप्शन ऑन किया है और वो यहाँ पर आके अपना वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक निकाली है 2024 के स्टार्ट की, जनवरी के स्टार्टिंग डेज, यानी कि 1-2 जनवरी के लिए। ये पहले से खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने ये जो है रशी सोनिक ने ये भी कर दिया है कि जी आप कर सकते हैं विजिट वीज़ा अप्लाई और यहाँ पे आके जॉब भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते थे कि भाई अगर विजिट पर आना हो तो क्या हम आप जॉब कर सकते हैं। तो वो तमाम दोस्त जो यहाँ पर विजिट पर आना चाहते हैं वो आके यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी जॉब कर सकते हैं, कौन सा स्किल चाहिए स्किल के लिए या कोई और चीज़, वो सब इनके पास डिटेल्स में आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप दोस्तों को मैंने कहा ये बता दूं कि जो विजिट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो विजिट अप्लाई कर लें और उनके लिए बहुत आसान हो जाए। वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप विजिट वीज़े पर आएँ, यहाँ के इन्वायरमेंट देखें, यहाँ पर क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, ताकि आपको आगाह हो कि यूके के जो लोग ख्वाब देखते हैं उनके लिए क्या एनवायरनमेंट है, यूके में कैसी चीज़ें हैं, कैसा बिजनेस कंडीशन है, कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ों से आगाह होना चाहिए, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि स्किल वीज़ा यहाँ पे मिनिमम जो भी बहुत सारे दोस्त परचेज करके आते हैं 20-22 हज़ार पाउंड लगाते हैं या खुद आ जाते हैं या उन्हें जॉब मिल जाती है, ये बहुत चीज़ें होती हैं, ये रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ आएँ, यहाँ पे आके देखें आपकी जॉब कैसी चलती है, एनवायरनमेंट आपको सूटेबल है या नहीं है, आप यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।